नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है अरहर की मेथी वाली दाल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अरहर की दाल यानी जिसे तुअर की दाल भी कहा जाता है, ये मैंने एक कटोरी दाल 2 सीटी लगा के पका ली है। पहले 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा था, इसलिए जल्दी से पक गई। मैंने एक कटोरी के हिसाब से रखा और इसे पका लिया है। देखिए, अच्छे से पक चुकी है दाल। और मैंने एक बाउल फ्रेश मेथी जिसकी पत्तियाँ अच्छे से तोड़ के धो के रख लिए, और 3 से 4 मैंने टमाटर बारीक काट लिए हैं। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है, और तड़के के लिए रिफाइंड ऑयल है। तड़के में डालूंगी मैं राई, आप जीरा भी डाल सकते हो। लगभग 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार मिर्च या 1 से 2 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट ली है। मैं तड़का लगा रही हूँ लहसुन से, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो मैंने लगभग 4 से 5 लहसुन की कलियाँ बारीक काट ली है। तो शुरू करते हैं दाल को तड़का लगाना। मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, गैस ऑन कर दिया। मैं इसमें तेल डाल दूंगी, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, लगभग 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने। तेल गर्म ही हो गया, मैं इसमें राई डाल देती हूँ। अच्छे से क्रैकल हो रहा है। हमें इसमें हरी मिर्च, लहसुन, और गैस की आंच कम कर दूंगी अभी। हरी मिर्च भी डाल दूंगी, थोड़ा सा भून लेते हैं। लहसुन में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, थोड़ा हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं लहसुन को। लहसुन का कलर भी चेंज हो गया, मिर्च भी थोड़ी सी भून चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। ये मेथी भी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेती और इसमें अब मैं हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी। हल्दी पाउडर डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। मिर्च भी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लिए, और इसको ढक करके पकने दूंगी मीडियम आंच पे, ताकि टमाटर भी गल जाए, मेथी भी पक जाए। क्योंकि दाल तो हमारी पकी हुई है, जल्दी से हमारी मेथी वाली दाल भी तैयार हो जाएगी। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। पकाने के लिए पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है अभी, टमाटर से अच्छे से मेथी पक जाएगी। तब मैं इसे ढक देती हूँ और पकने देती हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ हमारे मेथी और टमाटर गले हैं कि नहीं। ये देखिए, मेथी भी अच्छे से गल रही है, पकी चुकी है मेथी, और टमाटर थोड़े से गलने बाकी हैं। तो मैं थोड़ी देर और पका लेती हूँ, लगभग 1 से 2 मिनट, ताकि टमाटर का टेस्ट अच्छे से आ जाए दाल में। तो मिक्स कर देती हूँ, फिर से 2 मिनट के लिए ढक करके पकने देती हूँ। लगभग 2 मिनट मैंने मेथी और टमाटर को और अच्छे से पका लिया है। अच्छे से पक गई है मेथी भी और टमाटर भी गल गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी, तुअर की दाल जो मैंने पकाई हुई है पहले से, वो मैं डाल दूंगी इसमें। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी ये दाल गाढ़ी है, तो मैं अभी इसमें पानी डालूंगी। आपको जितनी पतली या गाढ़ी रखनी है उतनी आप रख सकते हो। तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी और गैस की आंच फुल कर दूंगी। और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और 2 से 3 मिनट उबाल लेती हूँ, अच्छे से दाल उबल जाए और उसका फ्लेवर भी आ जाए, मेथी, टमाटर, सभी मसालों का।
थोड़ी सी अभी दाल गाढ़ी है तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें। और मैं ढक देती हूँ ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। 2 से 3 मिनट उबलने देते हैं, फिर दाल हमारी तैयार हो जाएगी फ्रेश मेथी वाली। लगभग 2 से 3 मिनट मैंने मेथी वाली दाल को उबाल लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फ्रेश मेथी की दाल की। ये देखिए, ना ज़्यादा दाल पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। आप जितनी गाढ़ी रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो, या पतली खाना चाहते हो वैसे रख सकते हो। तो अब ये दाल खाने के लिए तैयार है। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ मेथी वाली दाल को। ये देखिए, गर्मा गर्म अरहर या तुअर की मेथी वाली दाल तैयार है खाने के लिए, जिसे आप रोटी और चावल के साथ खा सकते हो। चावल के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि अभी मार्केट में फ्रेश मेथी मिल रही है, तो इस फ्रेश मेथी से बना के देखिए, ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। जब मेथी का सीज़न नहीं है तो आप कसूरी मेथी डाल के बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस आसान सी दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये मेथी की दाल वाली रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करके बताना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।